1.4.2 चयन और विकास, सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन। बीगल का सफर खत्म हुआ तो डार्विन इंग्लैंड लौटकर अपने अध्ययन का विवरण तैयार करने लगे। उनके दिमाग में उन दिनों चल रहे कृत्रिम चयन आर्टिफिशियल सिलेक्शन यानी मनुष्य द्वारा अपनी इच्छा अनुसार लक्षणों का चयन कर जानवर और पौधों की अलग अलग प्रजाति तैयार किए जाने की बात थी। उनके मन में यह विचार आया कि अगर मनुष्य नई प्रजाति तैयार कर सकता है तो क्या प्रकृति में दिखने वाले इतने विविध जीव प्रकृति में निरंतर होने वाली किसी चयन प्रक्रिया का नतीजा है? मनुष्य द्वारा पसंदीदा लक्षणों का चुनाव कर जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डार्विन ने इसी के आधार पर सुझाया कि प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन यानी प्रकृति में स्वतः चलने वाली चयन की प्रक्रिया से दुनिया के अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई है। क्रियाकलाप दो। कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें देखकर तर्क सहित बताइए कि चित्र में किस प्रकार का चयन दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं यह कृत्रिम चयन का ही नतीजा है कि आज धान गेहूं इत्यादि की हजारों किस्में पाई जाती हैं। सब्जियों में भी कई किस्में और प्रजातियां मनुष्यों द्वारा चयन का नतीजा है। डार्विन के बीगल यात्रा के लगभग 20 साल बाद एक और वैज्ञानिक इंग्लैंड से अमेरिका तथा एशियाई द्वीपों तक बीगल जैसे खोजी यात्रा में निकले थे। यह अल्फ्रेड रसेल वैलेस थे। मुख्य रूप से तितलियों और कुछ स्तनधारी जीवों का अध्ययन किया और डार्विन जैसे निष्कर्ष पर पहुंचे। सुझाया कि प्रजातियां पूर्ववर्ती प्रजातियों से ही उत्पन्न होती है